बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। दोस्तों, जिस पर तक की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, ओमान के सुल्तान जलाल तो सुल्तान हैतम बिन तारिक की तरफ से आर्डर शाया किए गए हैं और इसके मुताबिक ये तस्दीक की गई है कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर कुछ इस तरह के शायरी थे जिनकी नेशनलिटी किसी वजह से सस्पेंड की थी, उसको बहाल करने का फैसला किया गया। आप लोग देख सकते हैं, तस्दीक की गई है ओमान के सुल्तान की तरफ से 118 लोगों की नेशनलिटी को बहाल कर दिया गया सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर। ये मशले से बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। तो जिन लोगों को दोबारा से ओमान की नेशनलिटी मिली, बहाल हुई है, उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं और फ्यूचर में उनके लिए नेक तमन्नाओं के ख्वाहिशमंद हैं। ठीक हो गया, बात करते दीगर खबरों के हवाले से। आप लोग साथ साथ वीडियो देखें, वीडियो के अंदर ही आप लोग देख सकते हैं कि कुवैत के अंदर बहुत ही शदीद जलजले के झटके आए हैं। साथ साथ आप लोग देख सकते हैं, स्टेटमेंट के अंदर तस्दीक की गई है कि कल ये जलजले के झटके आए हैं और इसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है। वीडियोज़ के अंदर आप लोग देख सकते हैं, कमर्शियल मार्केट के अंदर ये एक वीडियो कैप्चर की गई, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर भी ये दिखाई गई। इसके हवाले से मज़ीद आप लोगों को बताते हैं कि मुतअद्दिद इस तरह की वीडियो हम लोगों ने देखी है जिसके अंदर आसपास के कुछ इमारतों के कुछ शीशे वगैरह भी टूटे हैं, कुछ बिल्डिंगों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतला जख्मी वगैरह होने की नहीं है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई की खैर करे और इस तरह के तमाम अफासे तमाम पूरी दुनिया के लोगों को बचाए। आमीन इंशाल्लाह। बात करते हैं कुछ आरोपी की स्टेटमेंट के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं, स्टेटमेंट शाया की गई, इस स्टेटमेंट के मुताबिक आरोपी की तरफ से तस्दीक की गई है कि हम लोगों ने 7 इस तरह के लोगों को पकड़ा जो कि गैर इखलाकी कामों के अंदर मुलव्वस थे। आप लोग देख सकते हैं, आरोपी की तरफ से तस्दीक की गई है कि सौतल बातना के इलाके से हम लोगों ने पकड़ा 7 लोगों को, इसके अंदर 2 खवातीन भी शामिल है जो कि गैर इखलाकी कामों के अंदर मुलव्वस थी, मंशियात वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे थे, अल्कोहल वगैरह का, इस तरह उनको पकड़ा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस चाय के तो हम आप लोग को ये कहेंगे कि ये उल्टे पुल्टे काम बिल्कुल ना करें। वैसे भी इस्लाम में तमाम इस तरह के काम हराम है और गैर इखलाकी हरकत तो वैसे भी आप लोग की शख्सियत के ऊपर भी बुरा असर पड़ाते हैं। अब आप लोग को एक खास खबर से आगाह करेंगे। 31 साल बाद सल्तनत ऑफ ओमान की दहलीज के ऊपर सब्ज रंग का कछुआ दोबारा से पहुँचा है। आप तो देख सकते हैं, स्टेटमेंट शाया की गई, इस स्टेटमेंट के मुताबिक तस्दीक की गई है कि 31 साल बाद सोते शिरकिया के सैले समंदर पर सल्तनत ऑफ ओमान पर वो कछुआ पहुंचा जो कि तकरीबन 30 मार्च 1991 को यहां से गया था और वो दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान की दहलीज सोते शिरकिया के इलाके के अंदर पहुंचा है। वाकई में ये मशरे से बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है कि 30 साल बाद जो कछुआ एक निशानी लगाई गई ओमान के इन्वायरमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से कि ये कछुआ यहाँ से गया था और अब यहाँ पर पहुँचा है। तो ये तमाम इस पर तक की अपडेट्स थी और इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। राव फजल अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।